अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान जो आज देश भर में लगभग 13,000 से अधिक औपचारिक विद्यालय चला रहा है, उसके साथ साथ 12,000 से अधिक सेवा के केंद्र, सरस्वती संस्कार केंद्र और एकल शिक्षकीय विद्यालय इस नाम से चला रहा है, 25,000 से अधिक इस प्रकार की शिक्षण इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाली विद्या भारती विश्व की सबसे बड़ी गैर सरकारी शिक्षण संस्थान इस नाते से समाज में जानी जाती है। अब विचार करने का विषय यह है कि आज ये जो इतना बड़ा स्वरूप दिखाई देता है, 1952 में जब पहला विद्यालय प्रारंभ किया गया तो उसमें न्यूनतम संसाधन विद्या भारती के पास में थे। विद्या भारती ये शब्द भी नहीं था। सरस्वती शिशु मंदिर योजना इस नाम से गुरु गोरखनाथ की जो तपस्थली रही है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक जाना माना शहर है, उस स्थान पर पक्की बाग के अखाड़े में पहला छोटा सा विद्यालय प्रारंभ किया। ध्यान में आता है कि जुलाई 1952 गुरु पूर्णिमा का दिन केवल 20 बच्चे, बहुत तज्ञ इस प्रकार के आचार्य शिक्षक भी नहीं, बहुत विशेषज्ञता रखने वाले इस प्रकार के प्रधानाचार्य भी नहीं, बहुत आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाने वाले इस प्रकार की प्रबंध समिति भी नहीं, अर्थात संसाधनों की दृष्टि से न्यूनतम इस प्रकार का परिदृश्य होने के बावजूद भी, क्योंकि एक कुछ काम खड़ा करना है, शिक्षा के माध्यम से इस प्रकार की पीढ़ी का निर्माण करना है जो आगे चलकर राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ऐसे नागरिक निर्माण कर सके, राष्ट्रीयता ये हमारा प्रमुख विषय, इस प्रकार की मानसिकता को ध्यान में रख करके एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, एक छोटा सा प्रयोग शिक्षा के माध्यम से सरस्वती शिशु मंदिर योजना इस नाम से 1952 में प्रारंभ किया। उस समय के कुछ कार्यकर्ताओं से कालांतर में जब चर्चा हुई, संवाद हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास साधन नहीं थे, परंतु हमारे पास में सिद्धि थी और हमारे पास साध्य थे और साधक थे। ये साधक, सिद्धि और साध्य, इन तीनों के सम्मिश्रण के आधार पर जो पहला विद्यालय प्रारंभ हुआ, जिसको सरस्वती शिशु मंदिर इस नाम से जाना गया, उसी के आधार पर समाज ने हमारी उस पद्धति को स्वीकार किया और धीरे धीरे साधन समाज के द्वारा उपलब्ध होते रहे। आज देश भर में सर्वाधिक विद्यालय चलाने वाली संस्था, एक लगभग 36 लाख से अधिक जो विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, पूर्व छात्र के नाते से जो अपना औपचारिक अध्ययन पूर्ण कर चुके, इस प्रकार की संख्या भी 15 लाख से अधिक है। लगभग 25 लाख का अभिभावक परिवार है, 1,51,000 से अधिक शिक्षक हैं, 7 लाख से अधिक हमारे पास शिक्षाविद जो हमारे इस कामों के साथ जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर विचार करते हैं तो 1 करोड़ का ये शिक्षा परिवार आज विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के साथ जुड़कर कार्य कर रहा है। विद्या भारती ने प्रारंभ से ही दो बातों को अपने कार्य का लक्ष्य रखा है, एक आधुनिकतम शिक्षा के आधार पर एक इस प्रकार की मेधा का निर्माण करना, और जीवन के जो पौराणिक जीवन मूल्य है, जो भारत की थाती है, भारत की विरासत है, भारत की पहचान है, इन दोनों बातों का सम्मिश्रण और उस मिश्रण के आधार पर जो नागरिक निर्माण होगा वो एक अच्छा देशभक्त नागरिक तो होगा ही, परंतु अपनी मेधा के साथ भारत के भविष्य का निर्माण भी करेगा। और भारत के भविष्य को जो एक संकल्पना है हमारी कि ये भारत माता फिर से जगतगुरु वंदनीय इस नाते से जानी जाए, उस वंदनीय माता के निर्माण में उसके अपने जीवन की आहुति निर्माण दे सकने की स्थिति में आएगा। ऐसा विचार लेकर विद्या भारती की जो पहली सरस्वती शिशु मंदिर योजना के माध्यम से कार्य प्रारंभ हुआ, जैसी जैसी आवश्यकताएं लगी उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 4 प्रकार के नए आयाम खड़े किए गए। शिक्षा के अंदर जिस प्रकार का नवीनतम विधाओं का विकास हुआ है, उस नवीनतम विधाओं के आधार पर एक्सपेरिमेंट्स करना, इस बात का विचार करते हुए विद्या भारती ने एक अखिल भारतीय शिक्षा शोध संस्थान, एक एजुकेशनल पेडागोजी का निर्माण कैसे हो, वर्तमान के सभी विषयों का आधुनिकतम पद्धति से विश्लेषणात्मक रचना के आधार पर, एक इनोवेटिव मॉडल के आधार पर भैया बहनों के सामने कैसे पढ़ाया जाए, इस मानसिकता को ध्यान में रख करके हमारा ये अखिल भारतीय शिक्षा शोध संस्थान कार्य करता है।
पूर्व छात्रों की बड़ी संख्या होने के कारण इस पूर्व छात्रों की रचना को भी समाज के स्वावलंबी जीवन के कार्यों के साथ जोड़ सके और आगे चल करके ये पूर्व छात्र सामाजिक गतिविधियों के एक स्तंभ बन सके, इस प्रकार की परिकल्पना को ध्यान में रखकर के पूर्व छात्र परिषद ऐसी एक रचना का निर्माण किया गया। जीवन के अंदर सांस्कृतिक विरासत का विकास हो सके और वो सांस्कृतिक विरासत आगे चलकर समाज निर्माण की जो भारतीय पद्धति है उसके प्रारंभ की मानसिकता को ध्यान में रख करके वैसा ही स्वरूप उसका बने, इसको निर्मित करने के लिए, इसकी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए संस्कृति बोध परियोजना इस प्रकार की एक रचना का निर्माण किया गया और उसी के आधार पर विचार करते हुए विद्या भारती ने 22 प्रकार के नए नए विषयों को जोड़ा है, योग शिक्षा से लेकर के बालिका शिक्षा, वनवासी क्षेत्र की शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा, अर्थात भारत का जो भौगोलिक रचना है, जो विविधताएं हैं, इन विविधताओं को समग्रता के आधार पर समावेशित करते हुए भारतीय संस्कृति की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए और मेधावी छात्रों के निर्माण की दृष्टि से विद्या भारती इस प्रकार की गतिविधि में लगी हुई है। आज आनंद का विषय ये है कि हमारे पूर्व छात्र सभी प्रकार के विषयों के अंदर IAS, PCS का UPSC की परीक्षाएं होंगी या डॉक्टर इंजीनियर का विषय आता होगा, बड़े उद्योगपति के नाते से आता होगा या सामाजिक जीवन के अंदर समाज के दायित्व को लेकर के काम करने वाली आवश्यकताओं का अनुभव होता होगा, अर्थात समाज जीवन रचना के प्रत्येक क्षेत्र में विद्या भारती के पूर्व छात्रों ने बहुत अच्छे स्थान अर्जित किए हैं। अभी विद्या भारती ने खेलकूद परिषद इस प्रकार का निर्माण करते हुए और एक SDFI से मान्यता प्राप्त करते हुए एक यूनिट के नाते से कार्य करना प्रारंभ किया, तो आज विद्या स्कूल गेम्स फेडरेशन में भी विद्या भारती बहुत अच्छे मानक स्थापित कर रही है। हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा रहे हैं, विज्ञान कांग्रेस के अंदर एक मेधावी छात्र के नाते से पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, अर्थात सभी प्रकार के जीवन रचना के कामों में विद्या भारती के छात्र लगे हुए हैं और ये सभी पूर्व छात्र आगे चल करके ये ध्यान में आता है कि जिस परम लक्ष्य को लेकर के हम काम करते हैं उस लक्ष्य की संपन्नता में विद्या भारती के छात्रों का एक महत्वपूर्ण रोल रहे।